हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जंगल के शिकारी जानवरों के हैरान कर देने वाले वीडियो क्लिप्स लेकर आया हूँ, जिनमें जानवरों ने दूसरे जानवरों से पंगा लेकर खुद का ही पोपट बना लिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक चील एक गिलहरी को पकड़े हुए है, लेकिन जैसे ही चील गिलहरी को पकड़कर उड़ने का प्रयास करती है, गिलहरी चील के पंजों से छूट जाती है और खूब लोटपोट होते हुए अपने छूटने का जश्न मनाने लगती है। लेकिन तभी चील दोबारा से आकर गिलहरी को दबोच लेती है। इससे पहले कि गिलहरी का काम तमाम होता, गिलहरी पूरी ताकत लगाकर उड़न छू हो जाती है और चील को पता तक नहीं चल पाता। अब इन दो जाबाज जानवरों को देखो, जिनमें से एक इस पहाड़ी बकरी को पकड़ तो लेता है, लेकिन पहाड़ी बकरी तो इस पहाड़ का चप्पा चप्पा जानती थी और आखिर में यह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब भी हो जाती है। अब इस क्लिप को देखो, जहां एक सुअर जैसे ही देखता है कि शेर काफी नजदीक आ पहुंचा है, वैसे ही यह अपने दोस्त को बिना बताए भाग जाता है और पता नहीं दूसरा सुअर कौन सा नशा कर रहा था कि उसे भनक तक नहीं लगती और यह इस शेर का शिकार बन जाता है। अब इस चील को देखो, जो इस कबूतर को सरेआम काम तमाम करने में लगी हुई है, लेकिन आखिर वक्त पर यह चील के पंजों से छूट जाता है। लेकिन यह चील की चाल होती है, क्योंकि यह हवा में ही कबूतर का काम तमाम करना चाहता था और इसमें यह कामयाब भी हो जाता है। अब इस हाइना को देखो, जो इस एंटीलोप के बच्चे का काम तमाम करने में इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि इसे इस माँ एंटीलोप के हमलों का कोई असर ही नहीं हो रहा। लगता है इस खूंखार हाइना को कुछ ज्यादा ही भूख लग चुकी है, तभी तो यह दर्द को सहते हुए भी अपना पेट भरने की कोशिशों में लगा हुआ है। दोस्तों, जंगली बिल्लियों में तेंदुआ सबसे खतरनाक माना जाता है, पर कभी कभी तेंदुए को भी लेने के देने पड़ जाते हैं, जैसे कि इस लिपट का सामना इस भैंस से हो जाता है। भैंस देखते ही लेपर्ड की धुलाई शुरू कर देता है और लेपर्ड बेचारा लात घूंसे खाते हुए यहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है। अब इस क्लिप को देखो, जहां इन इम्पाला के झुंड को जैसे ही पता चलता है कि इनके पीछे एक खूंखार शिकारी है, ये झट से छलांग मारते हुए इधर से उधर भागने लग जाते हैं। ये शेर अब भी कोशिश में लगे होते हैं कि कोई इम्पाला इनके हाथ लग जाए, और ये दिमाग लगाते हुए एक इम्पाला को घेरते हुए आखिर में उसे दबोचने में कामयाब हो जाते हैं। बियर वर्सेस प्यूमा। यहाँ ये प्यूमा खड़ा होकर शिकार तलाश रहा होता है, तभी इसकी नजर एक बियर पर पड़ती है और प्यूमा बियर को देखते ही उसके तरफ दौड़ पड़ता है। बियर भी इसे देखते ही झटपट पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, पर हड़बड़ी में बियर पेड़ से नीचे गिर जाता है और इस प्यूमा का काम आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बियर प्यूमा को अपना गुस्सा दिखाते हुए उल्टा प्यूमा पर ही हमला करना शुरू कर देता है। जहाँ थोड़ी देर पहले यह बियर इससे डर कर बच रहा था, वहीं अभी यह प्यूमा पर भारी पड़ने लगता है और आखिर में प्यूमा को यहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, जिस तरह हिरण शेर से जान बचाकर भागते हैं, वैसे ही यहाँ एक छिपकली इस सांप को देखते ही भाग रही है। यहाँ सांप भी काफी तेजी से इसके पीछे भाग रही है। छिपकली काफी देर तक इस सांप से पीछा छुड़ाकर भाग रही होती है, लेकिन आखिर में यह सांप इस छिपकली को धर दबोचने में कामयाब हो जाती है। अब इस अगले क्लिप को देखो, जहां एक बंदर पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसकी आहट सुनकर तुरंत यह मगरमच्छ भी एक्टिव हो जाता है और अपनी सातिर चाल से तुरंत इस बंदर को पकड़ते हुए गटक जाता है। अब इस काले कुत्ते को देखो, जिसने एक रकून को एक तरफ से घेर के रखा है और कुत्ता रकून पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले कि कुत्ता कामयाब होता, रकून पेड़ पर चढ़ते हुए कुत्ते से बचने में कामयाब हो जाता है।
इस अगले क्लिप में जंगली भैंसों का झुंड पानी पीने आया होता है, वहीं दूसरी ओर मगरमच्छ भी सुबह से किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ मगरमच्छ अपने अचानक हमले से एक भैंस को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। लेकिन यह जंगली भैंस हार ना मानते हुए मगरमच्छ के पकड़ से छूटने के प्रयासों में लग जाता है और यह मगरमच्छ को खींचते हुए पानी से काफी बाहर भी आ जाता है। लेकिन मगरमच्छ भी हाथाए शिकार को कहां छोड़ने वाला था, दोनों एक दूसरे को खींचने के प्रयासों में लगे होते हैं। पर यहाँ धीरे धीरे मगरमच्छ जंगली भैंस पर भारी पड़ने लगता है और उसे खींचते हुए पानी के अंदर ले जाने लगता है। वहीं इस नजारे को पानी के अंदर से एक हिप्पो भी देख रहा होता है। यहाँ भैंस पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी हार मानने को मजबूर हो चुका है। तभी एक चमत्कार होता है और हिप्पो मगरमच्छ के पास आते हुए मगरमच्छ पर हमला करना शुरू कर देता है और इसका फायदा उठाते हुए जंगली भैंस छूटकर भागने में कामयाब हो जाता है। लायन वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। यहाँ ये जंगली भैंस चुपचाप खड़े थे, लेकिन ये पास खड़े शेरनी इन्हें काफी देर से घूर रहे होते हैं, जिस कारण एक वाइल्ड बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और यह शेरनी को डराकर भगाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ शेरनी भी पलटवार शुरू कर देती है, जिस कारण दोनों पार्टी के बीच देखते ही देखते लड़ाई छिड़ जाती है और एक शेरनी तो वाइल्ड बीस्ट के ऊपर चढ़कर उस पर हमला करने लगती है। लेकिन वाइल्ड बीस्ट दौड़ते हुए शेरनी को नीचे गिराकर बचने में कामयाब हो जाता है। वुल्फ वर्सेस डियर। अब इस क्लिप को देखिए, जहां सैकड़ों तादाद में डियर घास खा रहे होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जंगली भेड़ियों की नजर पड़ चुकी है, जो इनको देखते ही लार टपकाते हुए इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। लगभग सारे हिरण इनसे बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक हिरण को ये भेड़िये दबोचने में कामयाब हो जाते हैं। अब इस क्लिप को देखो, जहां इस पाइथन के सिकंजे में कहीं से यह बर्ड बुरी तरह से फंस जाता है। हालांकि यहां काफी देर तक यह बर्ड इससे छूटने की कोशिश करता रहता है, पर अफसोस उसकी सारी कोशिशें असफल होती दिखाई देती है। चिकन वर्सेस कोबरा। यहाँ एक मुर्गी अपने बच्चों के साथ घूम रही थी, तभी वहाँ एक कोबरा स्नेक की एंट्री होती है। यहाँ कोबरा स्नेक मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों को देखते ही आगे बढ़ने लगती है। यहाँ मुर्गी भी कोबरे के इस प्लान को समझ चुकी है, इसलिए मुर्गी भी अटैकिंग मोड में आते हुए कोबरा पर हमला शुरू कर देती है। मुर्गी का ऐसा अग्रेसिव मूड देखकर कोबरा भी एक बार के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन लजीज भोजन का लालच उसे फिर से लौटने पर मजबूर कर देती है। फिर से कोबरा अंदर आकर बच्चों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन मां मुर्गी के लगातार हमले उसे हर बार बच्चों तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं और आखिर में मुर्गी अपने सारे बच्चों को लेकर वहां से जाने में कामयाब हो जाती है और कोबरा चुपचाप देखता रह जाता है। वुल्फ वर्सेस एल्क। यहाँ एक माँ एल्क अपने दो बच्चों के साथ पानी पीने आई थी। इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते, भेड़ियों का झुंड इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके बच्चों को निशाना बनाने की कोशिशों में लग जाते हैं। माँ एल्क हर बार एक्शन लेते हुए बच्चों को बचा लेती है, लेकिन ये भेड़िये अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उल्टा भेड़ियों की संख्या बढ़ती ही जाती है, जिस कारण माँ एल्क अपने बच्चों को बचाने में असफल हो जाती है। जिराफ वर्सेस लायन। अब इस क्लिप को देखो, जहां यह शेर काफी देर से इस जिराफ के पीछे पड़ा होता है और जब जिराफ भागकर थक जाता है, वह एक जगह चुपचाप खड़ा हो जाता है, जिसके बाद शेर इसके पास आकर इसे काटने की कोशिशों में लग जाता है। पर जैसे ही जिराफ अपनी लात उठाने लगता है, शेर डरकर भाग निकलता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।